प्लीज पापा जी, पुरानी बातें भूल जाइए और उन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। अंकिता, मैं कभी भी तुम्हारे और निहार के रिश्ते के बीच में नहीं आया। उम्मीद करता हूँ कि तुम भी हम बाप बेटे के रिश्ते के बीच में नहीं आओगे। कुछ गलतियां ना तो भुलाई जा सकती हैं और ना ही माफ की जा सकती है। थैंक यू रुचिता। निहार जी, जितना मेरे बस में होगा मैं आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। दिशा, रुचिता ने पहले भी ऐसे ही निहार भैया की मदद करके उनके दिल में जगह बना ली थी और वो फिर से वही कर रही है। वो धीरे धीरे इस घर में अपनी जगह बना लेगी और फिर रुचिता और उसकी बेटियां इस घर में रहेंगी। मुझे तो अभी से पिंकू के लिए बुरा लग रहा है। इंस्पेक्टर साहब, एक हफ्ता तो बहुत ज्यादा टाइम है। हम किसी के घर एक दो दिन रुक सकते हैं, लेकिन एक हफ्ता कैसे रुक सकती हूँ मैं यहाँ पे? आप प्लीज कुछ देखिए ना। मैडम, इतना टाइम तो लग ही जाएगा, कानूनी मामला है। अब हमें किसी होटल में शिफ्ट होना पड़ेगा। एक ही हफ्ते की तो बात है। नहीं नहीं आजी, एक दो दिन में इतनी लड़ाइयां हो गई, एक हफ्ते रुकूंगी तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ से जाने में हमारी भलाई है। लेकिन जाओगे कहाँ? वो मेरे हस्बैंड है ना, वो जगह ढूंढ रहे हैं। ठीक, जब तुम्हारे हस्बैंड जगह ढूंढ लेंगे तो तुम चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन प्लीज अभी रुक जाओ, मतलब पापा बहुत खुश है तुम्हारे आने से। और तुम्हारे आने की वजह से तो पापा ने मुझ पर थोड़ा ट्रस्ट भी करना शुरू कर दिया, इसलिए हो सके तो कुछ दिन और रुक जाओ। निहार जी, जितना मेरे बस में होगा मैं आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। वैसे क्या कहा था तुमने कि तुम मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होने दोगे? अगर ऐसा था तो फिर मुझे छोड़कर क्यों? रुचिता, रुचिका, ये दामाद जी क्या कह रहे थे? कुछ नहीं दादी, बस पुराने जख्म है जो बाहर से भले ही भरे नजर आए लेकिन उनमें दर्द हमेशा रहती है, जो कभी भी उभर कर बाहर आ जाती है। निहार जी को देखकर हमेशा जी करता है कि उन्हें सब सच बता दो उन्हें कि मेरी दोबारा कोई शादी नहीं हुई, कि वो बेटियां मेरी और निहार जी की हैं, कि मैं आज भी उनसे उतना ही प्यार करती हूं जितना पहले करती थी। लेकिन जब दिशा और पिंकू को देखती हूं ना, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं होती दादी। अपने सच की वजह से मैं निहार जी का बसा बसाया घर नहीं उजाड़ सकती। I'm sorry निहार जी, लेकिन ये राज जिंदगी भर मेरे मन में ही दफन रहेगा। इसका मतलब रुचिता की दूसरी शादी नहीं हुई और ये बच्चियां निहार की है। बता दूं उन्हें कि मेरी दोबारा कोई शादी नहीं हुई, कि वो बेटियां मेरी और निहार जी की, मैं आज भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी।
सकता, ये नहीं हो सकता। रुचिता ने निहार से इतना बड़ा सच छुपाया, अगर ये निहार को पता चल गया तो? मैं पिंकू की भलाई के लिए बोल रही हूँ, कोशिश करो कि रुचि और उसकी बच्चियाँ जितनी जल्दी हो सके इस घर से चली जाए, वरना तुम हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर चली जाओगी। नहीं, मैं अपने बेटे से दूर नहीं हो सकती, ना उसे कभी खुद से दूर होने दूंगी, ना ही इस घर से। इससे पहले कि निहार को रुचिता का सच पता चले, मुझे रुचिता और उसकी बेटियों को इस घर से दूर करना होगा। मुझे चाहिए, चाहिए, चाहिए। को बेटा ऐसे जिद नहीं करते, अभी लास्ट मंथ ही तो मैंने आपको नया प्ले स्टेशन दिलाया था। लेकिन मुझे उसका लेडीज वर्जन चाहिए। ठीक है बेटू, लेकिन थोड़ी देर रुक जा, अभी डैडी के पास उतने पैसे नहीं, अगले महीने आपको जरूर दिला दूं। बड़े भाई कितनी महंगी चीजें दिलाते मुझे, वो तो आपकी तरह कभी पैसा पैसा नहीं करते, मैं नहीं मांगूंगा। पिंकू, आप बड़े पापा से कुछ नहीं मांगे, ऐसे हर बात पे अपनी जिद मनवाना अच्छी बात नहीं है। देखो पिंकू, थोड़ी देर रुक जाओ, अगले महीने आपको पक्का पापा दिलवा दे एक नया प्ले स्टेशन। आजकल आपसे वो लड़कियों के ना गिफ्ट आते हैं, आप मेरे डैडी नहीं हो, कट्टी कट्टी कट्टी। मम्मी कितने प्यारा टेंट हाउस है ना, प्लीज खरीद दो। प्लीज मम्मी, हमें इसमें खेलना है। दिखाओ। बारह हजार? ये तो बहुत महंगा है बेटा, आपकी मम्मी इतना महंगा टेंट नहीं खरीद सकती, आपकी मम्मी के पास इतने पैसे नहीं है। लगता है इसका पति ज्यादा कमाता नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं आपको दिला दूंगी। कोई बात नहीं मम्मी, वैसे भी ये टेंट हाउस इतना अच्छा नहीं है। चल रोही, हम बॉल से खेलते हैं। चल। मेरी बेटियां इतनी कम उम्र में ही इतनी समझदार हो गई हैं कि पैसों की कमी समझती हैं। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं इनकी हर इच्छा पूरी कर पाती। वैसे होता तब भी मैं इनको इतना महंगा टेंट नहीं दिलाती। बच्चों की हर जिद पूरी करके उन्हें बिगाड़ना थोड़ी ना है। ये लीजिए मां, अच्छे से संभाल कर रखिए। जी, ये पैसे हैं किसके? रैंक के पैसे शाम को आके लेके जाएगा। जी। एक मिनट। हाँ जी, हाँ हाँ, बस मैं आ रहा हूँ। देखती हूँ, यहीं पे रख देती हूँ। किसने फेंकी है बॉल? तुमने बॉल फेंकी? सॉरी आंटी, बॉल गलती से अंदर आ गई। तो यहाँ क्यों खेल रही हो बॉल? गार्डन में जाकर खेलो कि कुछ और तोड़ने का इरादा है तुम्हारा? हाँ, ये लो जाओ। रुचि, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भाभी। वो रुचि देखो, कल माँ की बात का बुरा मत मानना, मतलब तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो वो भी दूसरी शादी कर लेता। वैसे तुम्हारे हस्बैंड को बहुत अजीब लगता होगा ना कि तुम अपने एक्स हस्बैंड के यहाँ रह रही हो। वो ढूंढ रहे हैं नई जगह। अच्छा, चलो अच्छी बात है। सॉरी रुचि, बट तुम जितनी जल्दी यहाँ से जाओगे उतना ही मेरे परिवार के लिए अच्छा। 6 साल पहले जो मैंने किया उसकी सच्चाई अभी भी तभी रहनी चाहिए।
जीतू जी सुनो, ये कुछ कपड़े हैं, फटी हुई साड़ी हैं, इन्हें जाके बाहर फेंक दो। जी मैम। ये रुचिता क्या कर रही है? पूछता हूं। कुछ भी करके निहार भैया और रुचिता की ये नजदीकियां दूर करनी होगी। आप इस पे पट्टी लगा लीजिए। मैं इन दोनों को कभी एक नहीं होने दे सकती। शुक्ला जी, हाँ आ जाइए ना। हाँ पैसे तैयार है। जी जी ओके। पूनम, वो आपको पैसे दिए थे ना सुबह में, क्लाइंट आ रहे हैं पैसे लेने के लिए, लेके आइए उसे। जी लाते हो। बताओ ना। एक सेकेंड। सरप्राइज। रुचिता ने मंगवा लिया टेंट हाउस। पर मम्मी ये तो बहुत महंगा था ना, रास्ते इतने जल्दी कैसे मंगवाया? मेरी बेटियों की खुशियों से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। अगर इतने ही पैसे हैं तो जाकर के रहे ना होटल में, यहाँ रहने की क्या जरूरत है? बेकार मैंने लड़कियों को सर पे चढ़ा के रखा है। और ये पैसों से नहीं, प्यार से बना है। अब चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, फिर हम इस टेंट हाउस के अंदर जाएंगे, ठीक है? बैठो बैठो बैठो। पी 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 पी। जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। ये अब हम पहुंच गए। पैसे कहाँ चले गए? मैंने तो यही रखे थे। यहाँ भी नहीं है पैसे। पैसे मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने मैंने यही तो रखे थे पैसे। पैसे कहाँ चले गए? जी हाँ आ गए आप, दीजिए पैसे। जी वो पैसे तो मिल नहीं रहे। नहीं मिल रहे मतलब?
सुनो, अभी 10-15 मिनट में क्लाइंट आएगा यहाँ पे पैसे लेने के लिए, और आप कह रही हैं कि पैसे नहीं मिल रहे। आपने ठीक से संभाल के तो रखे थे ना जी? मैंने बहुत संभाल के रखा था, लेकिन अब नहीं मिल रहे। पता नहीं कहाँ गायब हो गए पैसे। पैसे नहीं है मतलब? आप कहना चाहती है कि घर में से पैसे चोरी हो गए? जी लगता तो ऐसे ही है जी, वरना आप खुद ही बताइए घर में से पैसे कहाँ जाएंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप पूनम? हमारे घर में बड़ा चोरी कौन कर सकता है, यहाँ सब अपने ही तो हैं। अब अगर मैं आपको बोलूंगी तो आप मुझे ही सुनाएंगे। मेरा खुद का दिल नहीं मान रहा है, लेकिन जो है मैं उसे अनदेखा तो नहीं कर सकती ना जी। आप कहना क्या चाहती है पूनम, साफ साफ बताइए। आपको किसी पर शक है क्या? जी मुझे शक है। किस पर? मुझे रूही जूही पर शक है। बस कीजिए पूरा बस। देखो मैंने कहा था आप सुनेंगे तो मुझे पर चिल्लाएंगे, लेकिन सोचिए ना कि मेरे इस इल्जाम के पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी। रुचिता से उसकी बेटियों ने एक महंगा टेंट हाउस मांगा था, तब रुचिता ने अपनी बेटियों से मना कर दिया था। अभी जब मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो मैंने देखा उनके कमरे में वो टेंट हाउस है, और रूही ने मेरे हाथ में वो पैसे भी देखे थे। अब आप ही सोचिए, रुचिता अपनी बच्चियों को इतना महंगा टेंट हाउस भला कैसे दिलवा सकती है? हो ना हो जरूर ये पैसे रूही ने ही चोरी करके अपनी माँ को दिए होंगे। मेरी बच्चियाँ चोर नहीं। बच्चियां ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। बचपन से अकेला संभाला है मैंने इनको, इनकी हर जरूरत को पूरा किया है मैंने, और इसी को भी मैं अपनी परवरिश पे उंगली उठाने का अधिकार नहीं देती। अकेले पाला है मतलब? आप इनके ऊपर इल्जाम लगाने के बारे में सोच भी कैसे सकती? आप इन पर उंगली उठा रही है इसका मतलब आप मुझ पर भी उंगली उठा रही है। और आपको क्या लगता है कि मेरी बच्चियां कहीं से भी मुझे पैसे ला करके देंगी और मैं बिना सवाल के उनसे पैसे ले लूंगी? तो रुचिता, अचानक वो महंगा टेंट हाउस तुम्हारे पास आया कहां से? बोलो। मॉम प्लीज, आप रुचिता से सवाल करने के बारे में सोच भी कैसे सकती? हम सब जानते हैं कि रुचिता कितनी सच्ची और ईमानदार इंसान है, पर आप उस पर शक कर रही हैं। अरे तो तुम ही बता दो ना निहार बेटा, कहां गए पैसे घर से? अच्छा एक बात बताओ, हमारे घर के जो नौकर हैं वो इतने सालों से आज तक कभी कोई चोरी हुई? बाकी हम सब भी इतने सालों से इस घर में ही रह रहे हैं, कभी कुछ नहीं। अब अचानक से अगर पैसे चोरी होंगे तो सवाल तो मैं करूंगी ही ना। और हाल फिलहाल जो बदलाव आ रहे हैं वो रुचिता और उसकी बेटियों के आने के बाद ही आ रहे हैं। रूही जूही सच सच बताओ, तुमने पैसे लिए है ना? बोलो। बस कीजिए प्लीज, मेरी बच्चियां ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इतने खोखले संस्कार नहीं है इनके। बचपन से अकेला संभाला है मैंने इनको, इनकी हर जरूरत को पूरा किया है मैंने, और किसी को भी मैं अपनी परवरिश पे उंगली उठाने का अधिकार नहीं देती। अकेले पाला है मतलब? मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ और किसने लिए, लेकिन मैं आपकी नजरों में अपनी बेटियों को निर्दोष साबित करके रहूंगी। अगले 2 घंटे मैं अपनी बेटियों के बेगुनाह होने का सबूत आपके सामने लेकर आऊंगी। मतलब इनके पापा हमेशा काम के सिलसिले से बाहर रहते थे, तो इनकी हर छोटी छोटी जरूरत को मैं पूरा करती थी। मुझे नहीं पता ये किसने किया है, लेकिन मेरी बेटियों ने ऐसा कुछ नहीं किया। और रही उस टेंट हाउस की बात, तो ऋतु भाभी कुछ कपड़े फेंक रही थी, मैंने देखा तो मैंने उसी की मदद से वो टेंट हाउस बनाया। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप भाभी से पूछ लीजिए। नरेश जी, आपने हमें यहाँ रोक तो लिया, पर जब से यहाँ रोका है कभी रुचिता की बेटियों पर तो कभी रुचिता पर लांछन लगाए जा रहे हैं आप लोग।
नहीं माँ जी, मुझे पूरा यकीन है कि रुचिता या उनके बच्चों ने ये गलती नहीं की। तो पैसों को पंख तो नहीं लग गए ना, जो अपने आप ही उड़ जाएंगे। ये डैडी, ये देखो मेरा नया प्लेस्टेशन। ये प्लेस्टेशन कहाँ से आया तुम्हारे पास? मैंने मना किया था ना पिंकू, कुछ पूछ रहा हूँ मैं, जवाब दो, कहाँ से आया ये प्लेस्टेशन? निहार, आप पिंकू पे शक कर रहे हैं? आपको लगता है कि पिंकू ने पैसे चुराए? शक नहीं कर रहा, सिर्फ पूछ रहा हूँ। तुम्हारे सवाल में शक की मिलावट है यार, जो मैं क्लियर कर देता हूँ, ये प्लेस्टेशन मैंने पिंकू को दिलाया है। पिंकू इस घर का बेटा है, उसे ऐसे छोटी मोटी चीजों के लिए पैसे चोरी करने की जरूरत नहीं है। उसके पापा, उसके बड़े पापा, उसके दादू, बाकी सब हैं उसकी हर जरूरत पूरी करने के लिए। देखा, आज तुम्हारी वजह से निहार अपने बेटे पर शक कर रहा है। मैं खुद नहीं चाहती कि किसी पे भी गलत इल्जाम लगे, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि मैं और मेरी बेटियां निर्दोष हैं। रुचिता बेटा, हम तुम पर शक नहीं कर रहे और ना ही तुम्हारी बेटियों पर। रही बात पैसों की, तो वो गए सो गए। मैं नहीं चाहता कि पैसों को लेकर हमारे घर में किसी तरह का कलेश हो। लेकिन पता तो करना पड़ेगा जी कि चोरी किसने की, कैसे हुई। आज 25,000 गए हैं, कल को ज्यादा रकम भी तो जा सकती है। मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ और किसने लिए, लेकिन मैं आपकी नजरों में अपनी बेटियों को निर्दोष साबित करके रहूंगी। अगले 2 घंटे में मैं अपनी बेटियों के बेगुनाह होने का सबूत आपके सामने लेकर आऊंगी। आपका असली गुनहगार आपके सामने होगा। तुम प्रदीप जी को तो शक नहीं कर रही?